नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। नोट बैन होने से काले धन वालों की भले ही नींद उड़ गई हो, लेकिन लोगों को थोड़ी तकलीफ भी हो रही है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा भी होगा, लेकिन कुछ लोग इसी की आड़ में फिर भी काले धन को सफेद करने में लगे हैं। वो भूल गए हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, मतलब सरकार की सब पर नजर है। हर बैंक में CCTV लगे हैं और इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ATM है, मैंने आपको बताया, ATM केवल एक साधन है, पोस्ट ऑफिस एक साधन है, बैंक का विड्रॉल एक साधन है, ATM भी एक साधन है। और ATM क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसके रिकैलिब्रेशन में जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब, अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, ATMs के रिकैलिब्रेशन में लगता है। बैंकों के ATM के सामने लंबी लंबी लाइन साफ दिखा रही है कि देश में किस तरह से लोग अपने नोटों को बदलवाने के लिए ATM पर खड़े हैं। वहीं सरकार ने काले धन पर और शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है, और इसी क्रम में जापान में PM मोदी ने इशारा भी किया है। 500 और 1000 के नोट इस बीच वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंक दिन रात काम करके लोगों को नोट उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें दूर किया जाएगा। तो इन 5 ट्रांजैक्शंस में स्टेट बैंक ने ये 2.25 दिन में, आज दोपहर को 12:15 बजे तक, 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो 2 बार आए होंगे। इसका अगर आप मल्टीप्लायर ले लें तो कितनी मात्रा में लोगों को बैंक सर्विस कर रहे हैं। वहीं अब सवाल उठता है कि नोट बैन होने से क्या होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोट बैन होने से महंगाई, करप्शन, टैक्स का दायरा बढ़ने और इंटरनल सिक्योरिटी जैसी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जानकारों का कहना है कि नक्सलवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बड़े नोटों का इस्तेमाल होता है, और ये किसी से छिपा नहीं है। इस तरह से देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए नोटों के बैन होने से फायदा होगा। हालांकि कुछ दिनों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लंबे समय में इसका फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ऊपर वाला सब देख रहा है, जी हाँ, यही है हमारी खास पेशकश। और अब जबकि डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कुछ लोग अभी हेरा फेरी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, यानी सरकार की सब पर नजर है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान, जयन गुप्ता जी हैं, फाउंडर SCS, और मृगेंद्र सिंह जी हैं, एक्सपर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे 3 संवाददाता, अनुराग मुंबई से, केतन अहमदाबाद से, और आलोक प्रियदर्शी दिल्ली से हमारे साथ हैं। रुक करेंगे सबसे पहले आलोक, आपका ही जो 4,000 की लिमिट सरकार ने दी है, उसको लेकर ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। क्या आपकी जानकारी में भी ऐसा ही कुछ है? देखिए, ये एक तरह से देखें तो एक लोगों में भी ये है कि जिसके पास 4-4, 5-5 आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, अमूमन आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, तमाम दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र लगातार लोगों के पास हैं, तो वैसे लोग लगातार वो लाइन में लग रहे हैं। और इस यही सवाल जब वित्त मंत्री से पूछा गया तो वित्त मंत्री ने ये कहा कि हालांकि बैंकों को इस तरह का कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि वो इस बात को लेकर वो करें, लेकिन ये इस बात पर बैंक नज़र रखा है। लेकिन ये बिल्कुल साफ बात है कि इस वजह से ही ज़्यादातर भीड़ आ रही है। वित्त मंत्री ने इस बात को कहा कि यही वजह है कि ज़्यादातर भीड़ जो है बैंकों में आ रही है, अलग अलग बैंकों में, और तमाम लोग जो कि एक बार लाइन में लग के अपना 4,000 रुपये एक्सचेंज करा ले रहे हैं, वो बाद में दोबारा फिर दूसरी लाइन में लग जा रहे हैं या दूसरे बैंक में चले जा रहे हैं। तो बैंकों के पास इस तरह का कोई मॉनिटरिंग करने का फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है। बैंकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम इनबिल्ट नहीं है जिससे कि ये देखा जा सके कि एक आदमी कितनी बार आया, कितनी बार बैंक में उसने पैसे चेंज कराया या नहीं चेंज कराया। हालांकि उन्होंने कहा कि जो CCTV है उस पर मॉनिटरिंग की जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है इस बात को मॉनिटर करना कि
एक आदमी अलग अलग आईडेंटिटी कार्ड से कितनी बार वो पैसा चेंज करा ले रहा है। और ये अमूमन देखा जा रहा है हर जगह कि कुछ लोग इस काम में लगे हैं जिनकी, क्योंकि इसमें ना तो किसी अकाउंट की जरूरत है, आप किसी भी बैंक में जाके आप पैसा चेंज करा सकते हैं, तो इसमें अकाउंट की भी जरूरत नहीं कि अकाउंट के जरिए मॉनिटरिंग की जा सके कि एक बार एक दिन में आपने कितनी बार ट्रांजेक्शन किया। तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है यहाँ पर कि लोग लगातार बार बार लाइनें बदलकर, अलग अलग बैंक बदलकर, अलग अलग आईडेंटिटी कार्ड के जरिए दिन भर में कई बार पैसा एक्सचेंज करा ले रहे हैं। और इस हिसाब से अगर देखें तो अगर एक आदमी दिन भर में चार या पांच बार भी पैसा एक्सचेंज करता है, अगर 20,000 एक्सचेंज कर लेता है, तो जो टाइम मिला हुआ है 30 दिसंबर तक एक्सचेंज करने का, उसमें तो कई लाखों रुपये एक्सचेंज करा सकता है। तो ये एक बड़ी समस्या है जो बैंकों को देखना होगा और वित्त मंत्रालय को भी इसको देखना होगा कि आखिर वो किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। जी, तो ये बड़ा एरिया है। जयंत गुप्ता जी, आपसे जाना चाहेंगे, जो अभी आलोक ने बात रखी, जयंत गुप्ता जी हमारे साथ नहीं है लेकिन मृगेन जी हमारे साथ हैं। मृगेन जी, ये जो कंसर्न अभी दिखाया है आलोक ने और जो बताया उन्होंने, ये आपको लगता है कि एक बड़ी कमी रह गई है जिसको प्लग करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल ब्रजेश जी, ऐसा बिल्कुल आलोक जी का जैसा कहना है वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन सरकार इसमें एक कदम आगे बढ़ के एक काम किया जा सकता है अभी भी कि इनिशियली एक हफ्ते के बाद आप एक्सचेंज की जगह सिर्फ बैंक में डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉ का अगर आप शुरू करते हैं काम, तो इस समस्या से बचा सकता है। क्योंकि एक बार बैंक अकाउंट में पैसा जाने का मतलब है कि उसकी एंट्री आपके अकाउंट में हो गई है, वो ट्रेल आपको हमेशा अवेलेबल होगा। तो एक दो हफ्ते का समय जाने के बाद इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, तो ये उपाय हो सकता है। अनुराग मुंबई में, अनुराग क्या आपके पास भी कुछ इस तरह की शिकायतें हैं कि इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है 4,000 की जो लिमिट सरकार ने रखी है? जैसा कि आलोक बता रहे थे, दिल्ली में ऐसा कुछ देखने को मिला है कि बार बार एक ही शख्स अलग अलग लाइन में लग जाता है, अलग अलग आईडी लेके जाता है और अपने पैसे को वो एक्सचेंज कर रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा हुआ है कि एक बार आप 4,000 रुपए एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन बैंकों के अंदर बैंक कर्मचारी भी ये मान रहे हैं कि कई सारे जो लोग आ रहे हैं वो अलग अलग अपने पहचान पत्र के जरिए, कभी आधार कार्ड के जरिए, कभी राशन कार्ड के जरिए, कभी पैन कार्ड के जरिए, कभी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए। तो ये भी एक मुंबई के अंदर भी एक ये बड़ी वजह है कि हर बैंक के बाहर जो लंबी लंबी कतारें लगी है उसके लिए ये भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक और वजह, जो एटीएम के अंदर जो कैश जो है वो जल्दी से खत्म हो रहा है, तो उसके पीछे ये वजह बता रहे हैं बैंक के जो अभी अभी हमने आईबीए चेयरमैन से बात करी, तो आईबीए चेयरमैन ने कहा कि जो एटीएम्स हैं उसके अंदर चार ट्रेज बनी हुई होती, जिसमें एक ट्रे होती हुआ करती थी 1,000 रुपए की नोट की, दूसरी ट्रे होती थी 500 रुपए के नोट की, तीसरी ट्रे होती थी 100 रुपए की नोट की, और जो चौथी ट्रे होती थी वो बाकी डिनोमिनेशन के नोट की होती थी। लेकिन जो अभी जो दो ट्रे है वो पूरी तरह से खाली है और जो एक ट्रे की जो कैपेसिटी है वो केवल 2,000 नोट की है। तो जैसे ही 100 रुपए के नोट उसमें दिए जाते तो 100 लोग जैसे ही एटीएम में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो एटीएम खाली हो जाते हैं। तो इसकी यही वजह है कि एटीएम के अंदर जैसे ही पैसा जमा हो रहा है और अगले कुछ घंटों के अंदर ही वो एटीएम फिर वापस एटीएम आउट ऑफ कैश हो रहे हैं। तो एटीएम की जो दिक्कत है कि जब तक जो नए नोट है वो एटीएम में वो उनकी जो इंटरऑपरेबिलिटी है नहीं हो पाएगी, जो नए नोट है जो एटीएम के जो मैकेनिज्म से जब तक एडजस्ट नहीं होते तब तक ये है लोगों की परेशानी जो है बनी रहेगी। बिल्कुल अनुराग, और इसके बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह भी कहा है कि चूंकि एटीएम का जो सॉफ्टवेयर है वो पुरानी करेंसीज को कैटर करता है और उस तरह से कैलिब्रेट किया गया है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नए नोट का साइज भी छोटा है, वजन भी कम है। मृगेन जी, ये समस्या जो है जनता फेस कर रही है और आपको लगता है कि ये फौरी तौर पर एक समस्या है लेकिन आगे चलकर इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं? बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, लोगों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि आपको अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखने में ये आ रहा है कि हर आम आदमी, उसको पता नहीं है, डर की वजह से वो हर रोज़ जाके 2,000-3,000 रुपये कैश निकाल के कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेली खर्चे के हिसाब से एक बार में 3,000 या 4,000 रुपये निकालते हैं, वो आपके लिए सफिशियंट होंगे। सरकार अभी कोई भी नई स्कीम या कोई इस तरीके की योजना नहीं लेके आने वाली जिससे हमें आगे आके कोई परेशानी झेलनी पड़े। तो मैं आम आदमी से ये पहले अपील करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैश कलेक्ट करके रखने की कोशिश अभी ना करें। दूसरी तरफ इसके जो गेन्स की बात है, हम एक तरफ पेन्स देख रहे हैं जो लोगों को महसूस करना पड़ रहा है, पिछले 3 दिनों से लगातार बैंकों के सामने लंबी लाइनें हैं, एटीएम के सामने लंबी लाइनें हैं। डेफिनेटली ये एक तरीके का पेन है, एक तरीके का दर्द है, एक तरीके की परेशानी है जो उनको झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस कदम के जो फायदे होंगे
वो फायदे भी उस आम आदमी को ही मिलने वाले हैं जी, हम लोगों को ही मिलने वाले हैं। एक बार अगर ये कदम सक्सेसफुल होता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर सारे अधिकारियों ने भी बार बार ये कहा है कि इन बड़े नोटों के कारण जो जाली नोटों की समस्या थी उसको तुरंत हल करने की कोशिश की गई है, ये बिल्कुल सही कदम है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो जाली नोटों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो गरीब आदमी को होता है, वो रिक्शे वाले को होता है, वो दूध वाले को होता है, वो सब्जी वाले को होता है। एक बार उसके हाथ में अगर 1000 का नोट नकली आ गया तो उसकी तो एक दिन की रोजी रोटी चली जाती है, वो खराब हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान तुरंत तौर पे ये हुआ है और इसका फायदा लोगों को मिलेगा जी। अब यही नहीं, बहुत सारे और भी फायदे, उस पर हम मृगेन जी से लगातार बात करेंगे। लेकिन फेक करेंसी पर सीधे चोट की है सरकार ने, जैसे कि मृगेन जी कह रहे हैं, और इसके पीछे रैकेट हम सब जानते हैं कि सीमा पार से भी लगातार चलाया जाता रहा है। केतन, आपसे जानना चाहेंगे अहमदाबाद में फिलहाल क्या स्थिति है, लोगों को क्या भी कुछ परेशानी हो रही है? देखिए, अहमदाबाद में इस वक्त हम नेहरू नगर की पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में हैं और यहाँ पर सुचारू रूप से पूरा व्यवस्था चल रहा है। हमारे साथ बैंक के अधिकारी भी है और कुछ लोग भी हैं जो घंटों से यहाँ खड़े हैं, हम बारी बारी उनसे बात करेंगे। हमें बताइए कि आप कितने घंटे से खड़े हैं और क्या आज आपको कुछ दिक्कत आई है? एक्चुअली बैंक की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है और उनका जो भी मेरा यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, जो ब्रांच हेड है मिस्टर मुरली सर, वो भी उनका कोऑपरेशन अच्छा है और पूरा क्यू से मतलब मैनेज कर रहे, सुबह से रात को 11 बजे तक उनका कोऑपरेशन रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, मतलब सिस्टमेटिक चल रहा है। पानी की भी सुविधा काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है यहाँ बैंक अधिकारी ने। आप हमें बताइए कि आपने क्या क्या व्यवस्था की ताकि लोग आराम से यहाँ पर अगर 2-3 घंटे खड़े रहना है तो भी वो खड़े रहे, क्या क्या व्यवस्था की है आपने? हमने तो पहले जो है आते आते जो एंट्रेंस में जो है टेंट लगाया हुआ है, पानी का व्यवस्था भी किया हुआ है और जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए जो है सीटिंग अरेंजमेंट्स भी है। अगर इधर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है तो अंदर भी बुला लेते हैं, अंदर भी बिठा लेते हैं। एंड अंदर जो है काम जो है बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं है एंड वी आर इशूइंग टोकन्स ऑल्सो, और जो है टोकन्स के हिसाब से हम जो कर रहे हैं। एंड इवन जो एक्सचेंज ऑफ नोट्स के लिए जो है बाहर लाइन लगी हुई है, हम जो है 10-10 लोगों को अंदर बुलाते हैं और दो काउंटर भी खोला हुआ है आज हमने। सो इसी वजह से जो है पीपल आर फीलिंग कम्फर्टेबल ऑल्सो। सर, एक समस्या आ रही है कि लोग बार बार आते हैं, मान लो आज एक कार्ड लेकर आए, कल दूसरे पहचान पत्र लेकर आए, तो इसका कोई आपको इंस्ट्रक्शन है कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, हमारे पास इसमें तो कोई कंट्रोल नहीं है, बट जो भी ये करते हैं इसका जो है हम जो है हमारे सिस्टम में जो है पहले एंटर कर लेते हैं। अगर उन्होंने पहले ही लिया हुआ है देन ये उसी में आ जाता है कि इन्होंने पहले लिया हुआ है, देन वी डू नॉट अलाउ देम ऑल्सो। तो कुछ बैंकों ने अपने हिसाब से ही जो 2-3 बार आते हैं अलग अलग दिन पर, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ बैंकों ने इस तरह से एहतियात की है कि वो पहले से ही वो फिलअप करते हैं कि इसके पास आधार कार्ड से पैसा लिए है, पैन कार्ड से, या तो दूसरे कोई डॉक्यूमेंट से, तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में ये जो समस्या है उसका भी समाधान निकल जाएगा और लोग भी भले ही घंटों तक लाइन में खड़े हैं लेकिन थोड़े सुकून के साथ उनको यहाँ पर ट्रीट किया जाता है तो लोग भी पैसे हाथ में आने के बाद थोड़े खुश है और जो केंद्र सरकार का ये कदम है उसको भी सराहते हैं। बिल्कुल सराह रहे हैं। अब मृगिन जी, अभी आपने अहमदाबाद से भी देखा, मुंबई से भी देखा, लोगों को परेशानी ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बड़े कॉज के लिए ये सब कुछ किया गया है, इसलिए थोड़ी तकलीफ सहने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी आपने बताया कि फेक करेंसी पर बड़ी चोट की है सरकार की इस पहल से, इसके अलावा कुछ और भी फायदे जो जनता को मिलेंगे लॉन्ग टर्म में? बिल्कुल, कई सारे फायदे हैं ब्रजेश जी। जैसे कि कल अगर आपने ध्यान दिया हो, SBI के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी ये कहा कि अभी बैंक की जो कैश होल्डिंग की जो कॉस्ट है वो अगर कम होती है तो उसका जो बेनिफिट है वो डेफिनेटली कस्टमर को पास ऑन होगा ही। इंटरेस्ट रेट में भी कमी हम आने वाले समय में देख सकते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा है वो आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी को मिलने वाला है। अगर हमारे होम लोन की दरें कम होती है, कार लोन की दरें कम होती है, बिजनेस करने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका फायदा ऑफकोर्स मुझे ही मिलेगा। सो 3-4 दिन लाइन में लगने का जो दर्द है डेफिनेटली है, लेकिन 7 साल के लिए अगर मेरी किस्त कम होती है तो उसके मुकाबले वो दर्द कम है जी। बिल्कुल, थोड़ी सी तकलीफ है लेकिन आगे गेन ही गेन है और ये लोगों को समझना चाहिए और लोग समझ भी रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान से धन्यवाद दिया है पूरी जनता को कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तमाम विपक्षी पार्टियां उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रही थी लेकिन लोगों ने समर्थन दिया है सरकार की इस पूरी स्कीम का। आलोक, आपसे जाना चाहेंगे, दिल्ली में भी
लंबी लंबी कतारें रही, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं सराह रहे हैं सरकार के इस कदम को और इस तकलीफ को, वो सिर्फ कुछ दिनों की तकलीफ मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोगों का जो इस वक्त माइंडसेट बना हुआ है वो इस बात को लेकर बना हुआ है कि जो काला धन की बात बार बार कई सालों से लगातार हर सरकार करती रही है, लेकिन अगर कहें तो ये इसी सरकार ने प्रभावी ढंग से और एक ऐतिहासिक कदम उठाया है और इतना बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि उनका ये मन है या उनकी एक मंशा है कि वो सरकार को सपोर्ट करें, और इसी वजह से लोग भले ही लाइनों में घंटों खड़े रह रहे हैं लेकिन इस बात को ज़रूर कहते हैं कि भले ही मुझे परेशानी हो रही है लेकिन मैं सरकार के इस कदम के साथ हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाले दिनों में हमें ही इसका फ़ायदा मिलना है, क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी जो एक पैरेलल इकोनॉमी है उसको अगर कहीं चोट पहुंचती है वो कहीं खत्म होता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है जो हम जो आम आदमी है देश का उसको फायदा होगा। फेक करेंसी और तमाम चीजें तो है ही है, साथ ही साथ ये सारी चीजें जो है दूर अगर हो रही है, देश में क्लीनअप हो रहा है, पारदर्शी सिस्टम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी को इसका फायदा होने वाला है। बिल्कुल, और पूरे देश को इसका फायदा होगा, और प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया है कि ईमानदार लोगों का तो पूरा ख्याल रखा जाएगा लेकिन जो बेईमान हैं, जो काला बाजारी में लिप्त हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जापान में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 500 और हजार की नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। घर में शादी है, पैसे नहीं है। मां बीमार है, हजार की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे मोदी को कुछ बोलो कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100-100 सलाम करता हूं, कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। कुछ स्थान पर तो लोग 5-5 घंटे खड़े थे और अचानक एटीएम काम करना बंद कर दिया, तो भी चलो कल ठीक हो जाएगा, ये अपने आप में देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है, उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये ठीक है कि पाप करने वालों की संख्या कोई ज्यादा नहीं होगी, 1-2 लाख, 5 लाख लोगों में, मुसीबत 125 करोड़ को हो रही है। तो प्रधानमंत्री देश की जनता का धन्यवाद कर रहे थे और उनका ये कहना था कि तमाम तकलीफें उठाई लोगों ने लेकिन फिर भी वो सरकार के साथ हैं। जैन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, फाउंडर SCS। गुप्ता जी, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया, उन्होंने जब जापान में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया तो उन्होंने ये कहा कि जापान में कुछ समय पहले जब एक भूकंप आया था, सुनामी आई थी, तो सरकार ने जनता से सहयोग की मांग की थी और पूरी जनता एक साथ जुट गई थी। तो सही कॉज के लिए अगर आप जनता का आह्वान करते हैं तो जनता भी आपका साथ देती है। उन्होंने ये कहा कि ये मेरा अनुभव इस बार देखने को मिला है जब उन्होंने हाई डिनोमिनेशन नोट्स को बंद किया है। आपको भी लगता है कि जनता सही कॉज के लिए आपके साथ आती है? देखिए, मेरा मानना है कि जनता को इस चीज को एक युद्ध की तरह देखना होगा कि जैसे मान लीजिए हम अपने किसी दुश्मन के साथ युद्ध करते तो उस समय जनता ये नहीं देखती कि उसको क्या तकलीफ है, बट जनता देश का हित देखती है। तो
तो उसी तरह अगर आज की डेट पे आज के दिन हम ब्लैक मनी से जूझ रहे हैं, हमने ब्लैक मनी और नकली नोटों के लिए युद्ध छिड़ा है, तो उसमें जनता को परेशानी जरूर होगी, लेकिन उनको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये अल्टीमेटली उन्हीं के हित में है। अब देखिए इसके साथ कितने फायदे होंगे कि एक तो देखिए कि 30-40-50 साल में लोगों ने बहुत ब्लैक मनी इकट्ठा किया है, वो कहाँ से आया है, वो हमारे और आपके जिन्होंने नौकरी करके मेहनत करके पैसा कमाया था, लोगों ने लीकेज से किसी ने घूस से किसी तरह के जो पैसा बनाया है, तो उनके पास एक डिस्प्रोपोर्शनेट परचेजिंग पावर आ गई थी। तो इस सिस्टम से जो उनके पास डिस्प्रोपोर्शनेट परचेजिंग पावर आ गई थी वो खत्म हो जाएगी। अब जब आप देखिए कि आज की डेट में एस्टिमेशन है कि 13.5 से 14 लाख करोड़ रुपया जो है 500 या 1000 रुपए के नोट में है, और सब लोगों का मानना है कि इसमें हो सकता है 30-50% के बीच पैसा एक्सचेंज नहीं हो। तो मान लीजिए अगर सरकार के पास 6 लाख करोड़ रिजर्व बैंक के पास 6 लाख करोड़ रुपए एक्सचेंज नहीं होता है तो 6 लाख करोड़ रिजर्व बैंक की लायबिलिटी कम हो जाएगी, ये लायबिलिटी कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये पैसा सरकार के पास आएगा कंसोलिडेटेड फंड में, जिससे कि वो पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर में जनता के भले के लिए यूज कर सकती है। तो जनता को तो वापस नहीं कर सकते हैं पैसा, लेकिन ये अल्टीमेटली जनता के भले के लिए इस्तेमाल होगा। दूसरा, इसमें लोग जो बोलते हैं, मैंने कल राजीव गांधी का वो राहुल गांधी का स्टेटमेंट सुना, बाकी केजरीवाल जी का स्टेटमेंट सुना कि इस पैसा बदलने वाले की लाइन में कोई सूट बूट वाला नहीं है, अडानी नहीं है, अंबानी नहीं है, बिरला नहीं है, आसार नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो ये तो जाना ही जाना था, क्योंकि बिरला जी के पास तो 50,000 रुपये तो बदलने आएंगे नहीं, या अंबानी जी 50,000 रुपये बदलने तो आएंगे नहीं, या 2,000-50,000 तो छोटे छोटे आदमी बदलने आएंगे, वही लाइन में खड़े होंगे, और जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है उनको बदलने की सुविधा नहीं है। तो ये तो जो लोगों को जनता को गुमराह करने की बात है कि ये इस लाइन में सिर्फ गरीब है, तो गरीब लोगों के लिए तो फैसिलिटी है, बड़े लोगों को तो एक्सचेंज की फैसिलिटी दी नहीं गई है। तो ये मेरा मानना है। और देखिए आगे क्या क्या फायदे होंगे कि एक जो सबसे पहले बताया गया है कि जो काउंटरफिट मनी होती है उससे गरीब लोगों को नुकसान होता है, दूसरा देश की सुरक्षा पे भी नुकसान होता है। तो हर आदमी को देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहला तो चाहे कितना भी सैक्रिफाइस करना पड़े हमको करने के लिए राजी नहीं थे। दूसरा है कि अब जो है, पहले तो क्या था कि देखिए 40-50 साल में इतनी ब्लैक मनी इकट्ठा हुई थी, अब क्या है ब्लैक मनी इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग है हर एक चीज के ऊपर, आपका पैन नंबर है, हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, हर ट्रांजेक्शन ट्रेस हो सकता है। तो अगर जैसे लोग सवाल करने के 1,000 रुपए का नोट बंद करने से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, 2,000 करने से चालू नहीं होगी, जरूर होगी लेकिन उस स्तर पे नहीं होगी। और अगर इसको 40 साल लगे हैं इतनी ब्लैक मनी लाने में तो अगले 100 साल में होगी इतनी ब्लैक मनी, क्योंकि भी सिस्टम जो है। लेकिन सर यहाँ सर एक सवाल यहाँ पर एक सवाल करना चाहेंगे आपसे सर एक सवाल करना चाहेंगे क्योंकि इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और जानकारियां मिल रही हैं कि कुछ लोग अभी भी मिसयूज कर रहे हैं जो प्रावधान सरकार ने किया है। जैसे 4,000 रुपये का एक्सचेंज का जो सरकार ने एक लिमिट रखी है उसका मिसयूज हो रहा है। आपको लगता है कि कुछ एरिया अभी भी कुछ लोग जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ना कोई आय बाय से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार ने यह भी साफ किया है कि हमारी सब पर नजर है, तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों की अब चलेगी नहीं, वो बच नहीं पाएंगे? देखिए हमारा एक बिल्कुल सीधा ना कि ह्यूमन टेंडेंसी जो होती है उसकी सबसे पहले टेंडेंसी होती है, और खासतौर तो हम हिंदुस्तान में कि कोई अगर नियम बड़ा है तो उसको पालन करने की सबसे हम पहले सोचते हैं कि हम नियम को तोड़ कैसे सकते हैं। दूसरा, मुझे एक सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम कभी एक मैसेज दे कि लोग किसी दूसरे का पैसा लेके कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग लालच में आ जाते हैं, किसी गरीब आदमी को आप लालच दें कि हम 10,000 रुपये तुमको देंगे, ये मेरा 1.5-2 लाख रुपये अपने अकाउंट में जमा कर दो, बाद में दे देना, तो उस लालच में लोग फंस जाते हैं। तो सरकार से ये निवेदन है कि बहुत अच्छी तरह सबको ये प्रचार कर दें कि किसी दूसरे के पैसे को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। दूसरा है कि ये जो लोग नियम को बीट करने की कोशिश करेंगे, उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ लोग पकड़े जाएं, तो ये होगा। सरकार किसी भी नियम से 100% सक्सेस नहीं पा सकती है, ये तो सबको मालूम है जी। लेकिन मैं चाहता हूं अगर ये जो मुहिम है अगर ये 80-90% तक भी सही हो गई तो देश का काफी भला होगा। और इसमें आप देखिए कि लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता, वो पैसा नहीं रहेगा जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और पैरेलल आपने ये भी देखा होगा कि रेड भी पड़ रही है, लोगों से पूछताछ भी हो रही है, जहां पर भी ऐसा
ऐसी शंका है कि यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, वहाँ पर सरकार पूछताछ कर रही है, जाँच कर रही है।